खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन की मंगलवार शाम भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वजह प्लेन में ऑक्सीजन की कमी रही। बुधवार को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनिया गांधी का फोटो शेयर कर भावुक पोस्ट की। उन्होंने लिखा, माँ प्रेशर में भी दया का आदर्श उदाहरण। फोटो में सोनिया गांधी ऑक्सीजन मास्क पहने नजर आ रही हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि चार्टर्ड प्लेन में ऑक्सीजन की कमी आई थी। सोनिया राहुल इस प्लेन से बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। करीब डेढ़ घंटे भोपाल एयरपोर्ट पर रुकने के बाद दोनों रात 9:35 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल सोनिया भोपाल एयरपोर्ट के VIP लाउंज में रुके। इस दौरान भोपाल के कांग्रेस नेताओं ने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, आरिफ मसूद और शोभा ओझा समेत कई कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे। सोनिया राहुल गांधी मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद शाम को निजी प्लेन से दिल्ली लौट रहे थे। बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए विमान भोपाल के एयर स्पेस से गुजरता है। इस दौरान प्लेन में तकनीकी दिक्कत महसूस होने के बाद भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।